इनकम वाला टैक्स बजट थोड़ा सा घटाएगा। थोड़ी सेविंग से क्या मेरा काम चल जाएगा? मिडिल क्लास आदमी, मेरी मिनिमम सी तो इनकम है। अब की बार बजट में क्या अपना टाइम आएगा? We have not changed any of the tax proposals per se. All the plans that we had for the changes in the income tax or in the direct tax proposals, we will do when the government presents its full budget in July 2019. 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करते हुए तब वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे पीयूष गोयल ने मध्यम वर्ग को दिलासा भी दिलाया और भरोसा भी। अगर दोबारा मोदी सरकार आई तो फिर टैक्स में राहत केवल 5 लाख तक कमाने वालों को ही नहीं मिलेगी, इससे ज्यादा कमाई करने वालों को भी सरकार तोहफा देगी। लिहाजा बीजेपी के वफादार मीडियम क्लास वोटर्स ने जमकर वोटिंग की और मोदी सरकार की दूसरी पारी शुरू करने में अहम भूमिका निभाई। आखिर ऐसा होता भी क्यों ना? मध्यम वर्ग को तो इत्मीनान हो गया था कि मोदी सरकार दोबारा आते ही टैक्स की टेंशन कम करने का ऐलान इस बार तो जरूर करेगी। अब जब बजट का ऐलान होने में कुछ ही वक्त बचा है तो सबको इंतजार है कि आखिर इस बार तो अपना टाइम आएगा ही। नौकरी पेशा भी बार बार याद दिला रहे हैं कि सरकार अब तो अपना टाइम ला ही दो। सैलरी होल्डर है उनका बेसिक एग्जेम्पशन जो है उसको थोड़ा इंक्रीज किया जाए, जो 5 लाख तक का बोला गया है वो सबके लिए लागू किया जाए, क्योंकि सैलरी होल्डर के पास अपना जो टैक्स को है उसको छिपाने का कोई जरिया नहीं होता है, उन्हें जो भी होता है उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन से यह आशा है कि वह इस बार अपने बजट में प्राइवेट एम्प्लॉयज का भी ध्यान रखे। जो नॉन टैक्सेबल इनकम पहले 5 लाख था उसको बढ़ा के 7 से 8 लाख कर देना चाहिए, जिससे हमारी सेविंग बढ़ेगी। उम्मीद है कि वित्त मंत्री जी भी देश की जनता की आवाज को सुन रही होंगी। 5 जुलाई को बजट के सबसे दिलचस्प ऐलान में राहत का पिटारा भी खोला जाएगा, ऐसा जानकारों का भी मानना है। टैक्स में अगर वो जो हाउ रियल एस्टेट है, जो सेगमेंट अभी बहुत प्रेशर में है, उनके लिए अगर वो कुछ रिलीफ दे, फॉर एग्जांपल अगर वो जैसे लोग जब खरीदते हैं लोन लेके तो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो है उसका लिमिट थोड़ा बढ़ाए। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल को देखा जाए तो 2014 में पहले बजट को छोड़कर टैक्स के मोर्चे पर कोई खास राहत लोगों को नहीं मिली। 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन लाया गया तो इसके बदले ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल अलाउंस हटा दिया गया। अब इस बार जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके हिसाब से सरकार 5 लाख रुपए तक की आमदनी को सबके लिए टैक्स फ्री कर सकती है। साथ ही सरकार 5 से 7.5 लाख तक कमाने वालों पर 5%, 7.5 लाख से 12 लाख तक की आमदनी वालों पर 20%, 12 लाख से ज्यादा की आय पर 30% का टैक्स लगा सकती है। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि सालाना 10 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वालों पर 40% टैक्स लगाया जा सकता है। इस वक्त अर्थव्यवस्था में सुस्ती का माहौल है और अगर अर्थव्यवस्था का टाइम भी वापस लाना है तो ये जरूरी है कि लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचे, ये टैक्स कम करके ही मुमकिन है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इस बार ATC की लिमिट को बढ़ा सकती है। ज्यादातर नौकरी पेशा ATC के तहत निवेश करके ही टैक्स बचाते हैं। ATC की लिमिट को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक किया जा सकता है। ATC लिमिट बढ़ाने से लाखों लोगों को फायदा होगा, लोग अलग अलग स्कीम्स में निवेश के लिए प्रेरित होंगे। ATC की लिमिट बढ़ाने से सरकार को भी फायदा होगा, टैक्स बचाने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा निवेश करेंगे, इससे इकोनॉमी को फायदा होगा। इंडिविजुअल्स के लिए भी इस बार ये एक्सपेक्टेशन है कि ATC की जो डिडक्शन पिछले 5-6 साल से 1.5 लाख के आसपास है उसको एटलीस्ट 2 लाख रुपए किया जाए, जिससे कि इंडिविजुअल्स को बेनिफिट मिले। सबसे ज़रूरी ये है कि इस बार बजट में क्लियर कट इंडिकेशन जाना चाहिए गवर्नमेंट की इंटेंशंस का, कि वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए काम करना चाहते हैं। नई सरकार के पहले बजट का पूरे देश को इंतजार है। मोदी सरकार प्रचंड बहुमत से दोबारा चुनकर आई है तो देशवासियों की उम्मीदें भी कहीं ज्यादा हैं। ऐसे में उम्मीद भी की जा रही है कि मोदी सरकार इस बार बजट में आम आदमी को बड़ी राहत की सौगातें देने में पीछे नहीं रहेगी।